be smile kar raha hai. Yeah. And just to build up on that quickly, sure. One of the best ways to practice that is to remove that front pad. Yeah. Oh, yeah. Challenge yourself. Challenge yourself and remove that front pad when you're practicing. Wow, wonderful. Hafiz ne bilkul apna jo khelne ka tarika bata diya. Thoda sa coaching uske upar thoda batana padega. क्योंकि जब बैट्समैन होता है ना वो हेड पोजीशन सबसे पहले होती है, पाँव को नहीं देखा जाता है। हेड पोजीशन सही होगी, मोस्टली बैट्समैन जो ओवरसीज होते हैं पाकिस्तान के अलावा वो साइड ऑन खेलते हैं, लेकिन स्पिनर को खेलने के लिए थोड़ा सा लिटिल ओपन होना पड़ता है क्योंकि मिडिल और लेग पे बॉल पिच होती है। इसलिए जावेद भाई की बात की, यूनुस की बात की इन्होंने, तो वो ओपन खड़े होते थे यहाँ पे। जब ये बॉल होती है तो यहाँ से आपको स्वीप मारने में बहुत आसानी हो जाती है। जब आपके ये साइड ऑन होते हैं तो यहाँ पे आप ब्लॉक हो जाते हैं, ये पाँव आपका इस तरफ जाता है जी। तो इसकी वजह से हो जाते हैं। मैं तीनों के साथ ही खेले हुए, लेकिन जो बैटिंग देखी सलीम मलिक साहब की, मैं नहीं समझता कि उससे बेहतर पाकिस्तान में कोई प्लेयर स्पिन पे खेलता हुआ नजर आया है। वजह क्या थी, पहली मूवमेंट उनकी छोटी सी थी फ्रंट फुट की। शेन वॉन टीम में को रावलपिंडी में 238 रन किए थे उन्होंने। उनकी पोजिशन क्या थी, यहाँ खड़े होते थे, ये हील पे नहीं जाते थे, हील पे नहीं जाते थे, ये गए और यहीं से बैकफुट पे आ सकते थे वो, ये है ना। अब मोस्टली प्लेयर ये हील पे जाते हैं, हील पे ब्लॉक हो गए आप। फर्स्ट जो आपकी जो स्ट्राइड है वो बहुत लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो क्या है, बाबर आजम को देखते हैं तो क्या है, ये टोस के ऊपर होते हैं, टोस के ऊपर गए, यहीं से फॉरवर्ड चले गए और यहीं से बैकफुट पे आ गए। जब आप बैकफुट पे आ गए रेंज बढ़ जाती है, अंदर से लेके मिड विकेट और स्क्वायर लेग तक आपकी रेंज बढ़ जाती है। बाकी डिफेंस का क्या है कि जो हसारंगा की बात कर रहे हैं उसको हफीज ने जो बात किया, रीड करना बहुत जरूरी है। अगर बॉलर को रीड कर लिया, उसने बॉल रिलीज किया रीड कर लिया तो आपकी बचत है। अदरवाइज इनका क्या होता है, दूसरों का जब रीड नहीं कर पाते लेग स्पिनर को कि गुगली कौन सी है या फ्लिपर कौन सी है, वहाँ प्रॉब्लम है। इस पर राशि भाई एक और चीज़ ही पूछना चाहता हूँ जो श्रीलंकन बॉलर्स को मद्देनजर रख के सवाल बनता है, वो मेरा ख्याल है एक लो रिलीज पॉइंट हो जिस बॉलर का, उसके लिए क्या डिफिकल्टी होती होगी बैटर को? आई थिंक गुड क्वेश्चन। हसारंगा का ना रिलीज पॉइंट इज डाउन, यू नो ट्रैक्टरी उसकी जो है ना वहाँ इज नॉट अप। अगर आप उसकी फ्रंट नी भी देखें ना वो बेंड होती है, बहुत ज्यादा बेंड। राशिद खान को भी अगर आप देखें तो फ्रंट नी बेंड होती है, तो उनका बॉल रिलीज जो है ना लो होता है और स्किड करता है, तो उसके लिए राशिद भाई आप थोड़ा सा उसमें क्या है कि जब ये बॉल तेज कर रहे हैं ना, स्पेशली राशिद खान की जो बात की है ना, वो टाइम एयर में कम दे रहा है। जब एयर में जो टाइम कम देते हैं वो डिफरेंट जगहों पे बॉल फेंकते हैं, मतलब एक स्पॉट नहीं है। लेकिन राशिद खान की स्पेशल क्या है, वो सेम प्लेस पे बॉल करता है, चाहे वो लेग स्पिन हो चाहे वो मतलब गुगली हो। मोस्टली प्लेयर्स को उसने कहाँ पे आउट किया है, लेग बिफोर और बोल्ड, मोस्टली राशिद खान का अगर आप देखें विकेट टू विकेट बॉल करता है, एयर में टाइम ही नहीं देता वो। जो बॉलर T20 में एक्यूरेट है और टाइम नहीं दे एयर में, वो ज़्यादा खतरनाक है। लो बाउंस का ये है कि पर्थ में थोड़ा सा आपको हायर आर्म से करनी पड़ेगी क्योंकि बाउंस चाहिए। मैं राशिद भाई एक चीज ऐड कर दूं, जो आप कह रहे हैं कि क्यों उनकी विकेट टू विकेट की मोर सक्सेस है कि लोग एक्सपोज होते हैं और उनके पैड पे लगती है, उनकी टेक्निक एक्सपोज करते हैं। बिल्कुल वहीं पे मैं उसी बात को कनेक्ट करूंगा कि जब जावेद भाई ने हमें समझाई कि जब आप अपने पैड अपने बैट को इन फ्रंट ऑफ पैड लेके आते हैं ना, तो आप उसके उस एक टारगेट को मिनिमाइज कर देते हैं। तो जैसे ही आपका पैड स्ट्राइड बड़ी होगी जी, उसमें हफीज क्या है कि जब आप ओपन खड़े हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका पाँव जाएगा ही नहीं। ठीक है, मोस्टली प्लेयर साइड ऑन खड़े होते हैं तो जाते हैं। तो राशिद खान का यहाँ पे खा जाते हैं। तो अगर आप ओपन यहाँ पे खड़े हो गए तो आप क्या लाइन में आए नहीं, आप यहीं से यहीं पे खेलेंगे। और क्या है, यहाँ से आप कट मारने जाओगे तो ईजी हो जाता है। मोस्टली प्लेयर शोएब मलिक की बात करता हूँ, ये सब टाइम हो गया आखिरी, क्योंकि शोएब मलिक क्या यहाँ से कट नहीं मारते, वो यहाँ से कट मारते थे तो अंदर की तरफ जाती थी ये विकेटों के बीच की बॉल, लेट खेलता था। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच राशि भाई, थैंक यू वेरी मच लैंस, थैंक यू वेरी मच।